होता है, पड़े थे, सम टाइप ऑफ मूवमेंट्स वर देयर लाइक एमीबॉइड मूवमेंट, फ्लैजुलर मूवमेंट, ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मसल एंड हाउ अ सार्कोमेयर लुक्स लाइक. ओके, इन टूडेज जी क्लास व्हाट वी हैव टू डिस्कस ऑल अबाउट इज द मसल कॉन्ट्रैक्शन. ओके, यस सर, अभी कुछ और पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो जाएं एंड आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट करते हैं सब कुछ. ओके, यस सर, तो आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, लेट मी शो यू द टॉपिक्स. हम टॉपिक्स करेंगे एक तो मसल कॉन्ट्रैक्शन. ओके, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमारा एक बहुत अच्छी थ्योरी आती है जिसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. ओके, इसी से रिलेटेड आज सब कुछ डिस्कशन होगा और टाइम बचा तो हम बोन के बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, स्केलेटल सिस्टम भी स्टार्ट कर देंगे आज, बोन, ऑल अबाउट बोन. सिक्स फाइव पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे. ओके, स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी और 37 स्टूडेंट्स राइट नाउ एंड इट्स 38 नाउ. चैप्टर नेम्स एंड मूवमेंट. ओके, सो आर यू गाइस रेडी? यस ओके, देखो लास्ट टाइम मैंने आपको मसल दिखाया था. मसल का मैंने एक टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरीके से डायग्राम बना के आपको शो किया था. उसके ऊपर यहाँ पे इसकी आउटर कवरिंग थी एंड इनसाइड दिस थ्री बंडल ब्लॉक्स बनाए थे, फिर इनके कनेक्शंस बनाए थे जिन्हें फेशिया कहते हैं. ठीक, इनके अंदर भी फिर मसल फाइबर्स प्रेजेंट थे, लाइक दिस मसल फाइबर्स वर प्रेजेंट. डू यू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर ऑफ मसल, टीएस ऑफ मसल, यस समथिंग लाइक दिस. We have यस discussed in the previous lecture, so that diagram you can relate with this diagram. देखो यहाँ पे ये जितना भी structure हम देख रहे हैं ये TS of muscle. What is this? This is TS मसल of muscle. Muscle का TS है ये. ठीक, देखो यहाँ बीच वाला structure, ये जो हमारे ये छोटे छोटे structures जो हम देख रहे हैं, these red structures, ये red structure और इन सबको मिला के ये पूरा क्या बन रहा है, हमारा एक मसल मस्कुलर बंडल बन रहा है. ठीक, ये मसल फाइबर से, और ये देखो ये मसल फाइबर्स निकले हैं इसके अंदर से, लाइक दिस वन. ओके, और इसको भी आप थोड़ा सा और यहाँ देखो कट करके दिखाया गया है ऊपर, दिस इज अ मायोफाइब्रिल. इसी मायोफाइब्रिल का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था क्या, जो इसके अंदर बैंड्स मिलते हैं जिससे हम क्या कहते हैं सार्कोमेयर. इसी मायोफाइब्रिल को हम क्या कहते हैं सार्कोमेयर. ठीक, सार्कोमेयर जो हमने लास्ट टाइम बैंड देखे थे, एक जेड लाइन बनाई थी, उस जेड लाइन में हमारे दो प्रोटीन्स प्रेजेंट थी, कौन सी, एक एक्टिन और एक मायोसिन. एक्टिन एंड मायोसिन, थिन प्रोटीन एंड द थिक प्रोटीन, समथिंग लाइक दिस हमने डायग्राम बनाया था. डू यू रिमेम्बर दैट डायग्राम? सर, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम टुडे वी हैव टू डिस्कस अ थ्योरी दैट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एंड द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो ये हमारी मसल जो हमने लास्ट टाइम टीएस देखी थी, ये देखो दिस इज द एपिमाइसियम एंड द एंडोमाइसियम. एंडोमाइसियम इन द इज द इंटरनल कवरिंग, अंदर वाली जो कवरिंग है. एपिमाइसियम इज द आउटर कवरिंग. ठीक, नाउ लुक एट दिस डायग्राम. अगर हम एक मसल फाइबर को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, इस ये हमारी पूरी मसल है, अगर हम इसे एक मसल फाइबर बाहर निकालें, मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर देखें, उस मायोफाइब्रिल के अंदर जो बैंड्स होते हैं वो बैंड्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं. देखो हमने जेड लाइन बनाई थी दोनों तरफ. ठीक, इस तरह से जेड लाइन थी, बीच में क्या थी हमारी एम लाइन. ठीक,
यहाँ पे हमारे एक्टिन एंड मायोसिन बीच में यहाँ पे एंड साइड्स में दोनों तरफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स प्रेजेंट थी, ठीक। और इसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर रहे थे हमारा ओ जोन जो कि ओवरलैपिंग जोन था, फिर एच जोन बीच वाला जिसमें सिर्फ एक्टिन प्रोटीन्स प्रेजेंट थी, फिर मायोसिन वाला पार्ट जिसमें यहाँ पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट थी, जिसे हम ओ जोन प्लस एच जोन प्लस ओ जोन को मिला के ए जोन कह रहे थे या फिर ए बैंड कह रहे थे, ठीक। तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर है, नाउ लुक एट दिस डायग्राम, ये जो बीच में ये वाली जो लाइन्स आ रही है, ये तीन लाइन्स जो आप देख रहे हो यहाँ पे, दीज थ्री लाइन्स आर द एम लाइन। ये क्या है? हमारी एम लाइन है, ठीक। यहाँ देखो ये हमारी जेड लाइन आ रही है ग्रीन कलर में, लाइक दिस, दिस इज द जेड लाइन जिसे जेड डिस्क कहा गया है यहाँ पे इस डायग्राम में। नेक्स्ट एच जोन, लुक एट दिस, दिस इज द एच जोन, ठीक। दिस यहाँ पे ये देखो, ये बीच में फाइब्रिल्स आए हुए हैं, यहाँ पे प्रोटीन आई हुई है बीच में पर्पल कलर में, और दूसरी जो हमारी प्रोटीन आई हुई है देखो ग्रीन कलर में, जो कि जेड लाइन से निकल रही है, दिस वन, ये वाली दिखाई दे रही है। इज इट विजिबल टू यू एवरीवन? ओके, सो ये जो हमारे पर्पल वाली प्रोटीन है, दिस पर्पल वाली प्रोटीन पर्पल कलर में थिक, देखो ये कितनी थिक है, दिस थिक प्रोटीन इज द मायोसिन। क्या है ये? दिस इज मायोसिन थिक फिलामेंट। और जो बीच वाली जो जेड लाइन से ग्रीन कलर में निकली हुई है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिन, जो कि हमारी थिन प्रोटीन है या फिर हम जिसे थिन फिलामेंट कहते हैं। अब यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर रिमेम्बर रखना है, क्या देखो यहाँ पे क्या आया हुआ है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया हुआ है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, तो सार्कोमेयर के रेफरेंस में हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे ये हमारे कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। किसको स्टोर करके रखता है? कैल्शियम आयन्स को। ये इसका काम क्या है? कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखना। और ये कैल्शियम आयन क्या काम करते हैं, जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक, जैसे कि हम दौड़ रहे हैं, जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारी मसल्स बहुत ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं डायलेट होती हैं, ठीक। उस कंडीशन में हमें बहुत ज्यादा क्या चाहिए? कैल्शियम आयन चाहिए। तो वो जो कैल्शियम आयन का जितना भी मैकेनिज्म है, जो हमें कैल्शियम जितना भी मिलेगा, वो कहां से मिल रहा है? इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो कि इसने स्टोर किया हुआ है। दूसरा, अभी जब हम ये प्रोटीन देखेंगे एक्टिन एंड मायोसिन, इसमें भी ट्रोपोनिन नाम की एक प्रोटीन मिलती है, जिसका काम होता है कि जो कैल्शियम आयन है उससे जाके बाइंड हो जाए और जो हमारा एक्टिन फिलामेंट है उसको फ्री कर दे फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। ये वाला डायग्राम आपको क्लियर है कि जो हमने बैंड्स देखे थे इस मसल फाइबर के अकॉर्डिंग, वो बैंड्स विजिबल हैं आप सभी को? प्रॉपरली क्लियर है लास्ट टाइम जो हमने स्ट्रक्चर देखा था? ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट। नाउ इस डायग्राम में तो और बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा, देखो यहाँ पे रेड वाले बैंड जो फिलामेंट है, दिस इज मायोसिन, और थिन वाले ब्लू कलर में एक्टिन, ओके। ये पूरा मायोफाइब्रिल है, जिसे हम सार्कोमेयर भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द सार्कोमेयर, ओके। बीच में हमारी एम लाइन आ जाएगी, ये एम लाइन हो गई, एम लाइन, ठीक, और ये हमारी जेड लाइन, ठीक। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। अब देखो हमारे पास, आपको एक चीज समझनी है, जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, यह हमारे पास एक मसल है, ठीक, इस मसल में जितने भी बैंड्स प्रेजेंट हैं, बीच में जितना भी बैंड्स प्रेजेंट हैं, वो सारे बैंड्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या करते हैं? पास आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं? पास आ जाते हैं, और जो मसल का साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से थोड़ा सा छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? छोटा, ठीक। तो ये जो मसल है, जितने भी बैंड जब पास आएंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो क्या होगा, वो सारे ही बैंड्स पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक। और जब मसल हमारी डायलेट होगी, डायलेट होने की वजह से वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगी, जिसमें सारे बैंड जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुए थे या फिर जिसे हम कह सकते हैं जो पास आए थे, वो नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक। इतनी छोटी सी चीज क्लियर है आप सभी को? Yes, sir. अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, या फिर हम कह सकते हैं टू स्टेप्स हैं। देयर इज टू स्टेप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। एक कौन कौन से टू स्टेप्स हैं? द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड इनिशिएशन, एंड द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन।
अब ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन क्या है, ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन इज अ थ्योरी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। जो हमारे पास एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है उससे रिलेटेड जो जो मतलब उनके बीच में एक कनेक्शन बनता है उस कनेक्शन को क्रॉस ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है इसको एक थ्योरी थ्योरी का नेम दिया गया था जिससे हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या हमें बताती है, ये थ्योरी बताती है कि एक्टिन प्रोटीन में और मायोसिन प्रोटीन में क्या कनेक्शन है। ओके, तो हम इनिशिएशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले हम क्या देखते हैं कि ये जो दो प्रोटीन्स हैं इनके फंक्शंस क्या क्या हैं और ये एक्चुअल में किस तरीके से रोल प्ले करती हैं, ठीक। सो पहले हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कौन सी प्रोटीन्स का। पहले हम बात करेंगे एक्टिन प्रोटीन की। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्टिन या फिर एक्टिन फिलामेंट। व्हाट इज दिस वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इज द एक्टिन फिलामेंट। अब देखो एक्टिन फिलामेंट क्या है, एक्टिन फिलामेंट कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर है, समथिंग लाइक दिस। ये कॉइल्ड, जैसे हम डीएनए पढ़ते हैं ना, डीएनए कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, ऐसे ही हमारी एक्टिन फिलामेंट के कुछ प्रोटीन जिन्हें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहा जाता है, इस तरह से ये कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ये जो मैं राउंड स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं ये हमारे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, दिस इज कॉल्ड द ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। देखो दोनों के दोनों फाइबर्स ऑफ ग्लोब्यूलिन एक दूसरे से कॉइल हो रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। जी क्लियर? तो ये कुछ इस तरीके से है, ऐसे जैसे डीएनए होता है अपना कॉइल्ड, ठीक। अब क्या होता है इसमें हमारा एक स्ट्रक्चर जो कि इसको पूरी तरह से क्रॉस करता है या फिर इसके साथ प्रेजेंट रहता है, समथिंग लाइक दिस। हम इसे इस तरीके से बनाएंगे, ये एक तरह की प्रोटीन है, ठीक, जो पूरी तरह से इसे कवर कर लेता है। ठीक, दिस इज द स्ट्रक्चर। और ऊपर की तरफ, यहां ऊपर की तरफ हमारी एक प्रोटीन प्रेजेंट रहती है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन। और ये जो ट्रोपोनिन है ये ट्राइमेरिक प्रोटीन है। वन ट्राइमेरिक का मतलब इसके पास तीन यूनिट है, वन टू एंड थ्री। वंस अगेन वन टू एंड थ्री, यहाँ पे भी हम बना लेते हैं इसे वन टू एंड थ्री। सो तीन यूनिट होंगे, ट्राइमेरिक प्रोटीन है हमारे पास। अब देखो एक एक्टिन फिलामेंट में क्या क्या चीजें हैं। इस एक एक्टिन फिलामेंट में पहला द फर्स्ट पॉइंट हमारे पास एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक, ये जिसे हम जी एक्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जी एक्टिन, दैट इज कॉल्ड द जी एक्टिन। जी एक्टिन क्या है? जी एक्टिन एक सिंगल मॉलिक्यूल है या हम कह सकते हैं मोनोमर है। व्हाट इज दिस? मोनोमर। और ये मोनोमर क्या कर रहे हैं, देखो बहुत सारी चेन बना रहे हैं, एक साथ चेन बना रहे हैं। तो जब ये पूरी एक चेन बन जाती है तभी इस एक पूरी चेन को हम कहते हैं, this entire chain is called the F actin. F actin का मतलब क्या है? filament actin. Okay, F stand for filament and G stand for globulin. That is called the globulin. Okay, इतनी बात क्लियर है? Yes sir. Yes sir. अब ऊपर ये वाला पार्ट जो हमने येलो वाला पार्ट बनाया है, this yellow part is the tropomyosin. What is this? Tropomyosin. और ये जो हमने ट्राइमेरिक प्रोटीन बनाई है, दिस ट्राइमेरिक प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रोपोनिन, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोनिन। अब पहले हम इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने से पहले मैं आपको ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहूंगा। पहले हम ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर देखते हैं फिर हम आगे की बात करेंगे, ओके। अब देखो ये जो ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन किस तरह से अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है? एक तरह की ट्राइमेरिक प्रोटीन है, ट्राइमेरिक। ट्राइमेरिक का मीनिंग क्या है? ये तीन यूनिट से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसकी एक यूनिट तो ये आ गई ऊपर वाली, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट, तीन यूनिट बन गई, ठीक। ऊपर वाली यूनिट को हम कहते हैं आई यूनिट, ठीक, जो कि टॉप पर प्रेजेंट है। नीचे की दो यूनिट में टी यूनिट और सी यूनिट प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये जो आई यूनिट है, दिस आई यूनिट स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर इनहिबिशन कॉम्प्लेक्स। What is this called? Inhibition complex.
दैट मीन्स इसका काम क्या है, इस मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं ये इनहिबिशन करवाएगी, इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं रुकावट लेके आएगी, ठीक, बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन। जब भी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा ना, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा एक्टिन और मायोसिन के बीच में, ये उस कॉम्प्लेक्स के बीच में इनहिबिट कर देगा उस पूरे मैकेनिज्म को, जिससे ये प्रोसेस रुक जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हमारी एक्टिन है, इस एक्टिन से जब नीचे यहाँ पे मायोसिन ज्वाइंट हो रही है, तो ये ट्रोपोनिन क्या है, जब तक ये ट्रोपोनिन प्रेजेंट रहेगा तब तक ये जो मायोसिन है ये एक्टिन से ज्वाइंट नहीं हो सकता। तो हमें क्या चाहिए, हम ये चाहते हैं कि ये ट्रोपोनिन हट जाए, जिससे हमारी जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ बाइंडिंग कर सके, और उससे हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब तक ट्रोपोनिन प्रेजेंट रहेगी तब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? यस सर। द सेकंड यूनिट, दिस सेकंड यूनिट, ये इस वाली ये टी यूनिट क्या काम करती है, देखो टी से मीनिंग है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या ये ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट है, मतलब नीचे वाली ये जो साइट है ये किससे बाइंड करेगी, ये ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करेगी। एंड दिस स्टैंड, दिस सी यूनिट स्टैंड फॉर कैल्शियम, स्टैंड फॉर कैल्शियम बाइंडिंग साइट। दैट मींस ये वाली जो यूनिट है सी यूनिट, ये किससे बाइंड करेगी, कैल्शियम से बाइंड करेगी, ठीक। और कैल्शियम आयन का मैंने क्या बताया, कहां से आना है, कैल्शियम आयन हमारा वो जो पूरा मैकेनिज्म था जो अभी पीछे हमने देखा था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या काम था उसका, कैल्शियम स्टोर करना। तो वो जो कैल्शियम जब वहां से आएगा, तो वो कैल्शियम क्या काम करेगा, इस ट्रोपोनिन साइट पे बाइंड करेगा, और ट्रोपोनिन की सी साइट पे बाइंड करेगा, और बाइंड होने के बाद ये क्या होगा, यहां से हट जाएगा। जैसे ही ये हटेगा वैसे ही हमारी मायोसिन एक्टिन के साथ क्या करेगी, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगी, और उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे क्रॉस ब्रिज, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, मुझे ये बताओ, जब भी हमारे जैसे कि ये जो जी एक्टिन है, ठीक है, ये जी एक्टिन ग्लोबुलर एक्टिन है एक तरह का, मैंने जैसे कि नाम में ही बताया आपको, जी स्टैंड फॉर ग्लोबुलिन। तो ये जब अपना पॉलीमराइजेशन करता है, क्या करता है, ये पॉलीमराइजेशन का मतलब ये पॉलीमर बनाता है, और पॉलीमर बनाने के बाद क्या बनता है, हमारे पास एफ एक्टिन का प्रोडक्शन होता है। तो इस पॉलीमराइजेशन के लिए कौन सा आयन रिक्वायर्ड होता है, कौन सा आयन रिक्वायर्ड होता है, डू यू नो? चलो मैं आपको चॉइस देता हूं, ठीक है, मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, सोडियम आयन्स, मैग्नीशियम आयन्स, कैल्शियम आयन्स, पोल जनरेट करूंगा, आंसर कोई नहीं करेगा, पोल में आंसर करेंगे, ओके, या फिर नन ऑफ दीज, ओके, आई एम जनरेटिंग अ पोल हेयर। Okay, now your time starts now. आपके पास ओनली 20 सेकेंड्स में से 5 सेकेंड्स लेफ्ट, आई एम एंडिंग द कॉल, ओके ओके। सो अकॉर्डिंग टू योर आंसर चॉइस नंबर 3 जिसको 57% मिला है, 28 आउट ऑफ 16 ने ये आंसर किया है कि चॉइस 3, दैट मींस ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कैल्शियम, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड। आर यू ऑल एग्री विद कैल्शियम? यस सर। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जो कैल्शियम आयन रिक्वायर्ड है वो कैल्शियम आयन किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट है, उसकी उसकी रिक्वायरमेंट है इस ट्रोपोनिन को हटाने के लिए, ठीक है। ये ट्रोपोनिन जैसे ही हटेगा वैसे ही हमारा मायोसिन एक्टिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन इस ग्लोबुलर प्रोटीन जो है एफ एक्टिन बनाने के लिए, फिलामेंट एक्टिन बनाने के लिए पॉलीमराइज होता है, तब वहां पे जो आयन इनमें से रिक्वायर्ड होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम आयन। कौन सा आयन रिक्वायर्ड होगा? मैग्नीशियम आयन, ओके।
याद रहेगा अब कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम का काम है ट्रोपोनिन को हटाना, और मैग्नीशियम मैग्नीशियम का काम है ग्लोबुलर एक्टिन का पॉलीमराइजेशन करना, जिससे पूरी चेन बन जाएगी और ग्लोबुलर प्रोटीन हमारा ये ग्लोबुलर एक्टिन कन्वर्ट हो जाएगा एफ एक्टिन में, दैट इज कॉल्ड द फिलामेंट एक्टिन। याद रहेगा मैग्नीशियम आयन का क्या काम है और कैल्शियम आयन का क्या काम है? हाँ ठीक। अब हम देख, इट वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट। अब हम देखते हैं मायोसिन फिलामेंट कैसा दिखाई देता है। मायोसिन फिलामेंट ठीक, मायोसिन फिलामेंट। अब देखो मायोसिन फिलामेंट के साथ में भी सेम स्टोरी है, ये क्या काम करता है, ये भी कॉइल फॉर्म में रहता है इस तरीके से। आई एम ड्राइंग समथिंग लाइक दिस, ये भी कॉइल फॉर्म में रहेगा इसकी जो दोनों ये स्टैंड हैं एक दूसरे के साथ कॉइल रहती है, और आगे जाके ये क्या काम करता है, आगे जाके ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जस्ट अ मिनट, हेड वाला स्ट्रक्चर बनेगा यहां से, ये पूरी क्या है, ये पूरी टेल है ठीक है, और एक हेड इसका ये आ गया, दिस वन द फर्स्ट हेड एंड द सेकेंड हेड इज हियर, दिस दूसरा हेड ये आ गया ठीक। तो ये जो पूरी है ये क्या है, दिस इज टेल, दिस इज द टेल पार्ट, ये पूरा टेल है, और ये क्या है पूरा हेड, दिस इज हेड। अब इस हेड में भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जैसे कि ऊपर ऊपर की तरफ यहां पर दिस रीजन एंड दिस रीजन, बोथ ऑफ दीज रीजन्स आर द एक्टिन बाइंडिंग साइट, क्या है ये एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट का मतलब क्या है, ये वो वाला पार्ट है जो एक्टिन के साथ बाइंड करेगा, अभी जो हमने पीछे एक्टिन प्रोटीन देखी थी वो एक्टिन प्रोटीन इस वाले पार्ट से ज्वाइन करेगी मायोसिन के ठीक। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट हेयर, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लाइक दिस, दिस वन, व्हाट इज दिस, दिस इज द एटीपी बाइंडिंग साइट, व्हाट इज दिस एटीपी बाइंडिंग साइट, ये हमारा एटीपी बाइंडिंग साइट है जिससे कि हमारा एटीपी बाइंड करेगा, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए हमें, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा, ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा ठीक, मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा अगर ये प्रोसेस में एटीपी यूज नहीं होगा। एटीपी का क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, वाटर की प्रेजेंस में एटीपी हमारा टूटता है, ब्रेक डाउन होता है एटीपी का, जिससे एनर्जी इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी निकलती है और वो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, हमारे एटीपी और मायोसिन सॉरी एक्टिन की और मायोसिन की बाइंडिंग के लिए ठीक, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ठीक। तो अब ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है इसमें ये जो ये वाली जो साइट है हेड वाली साइट, इसको हम कहते हैं HMM, HMM का मतलब क्या है, हैवी मैरो मायोसिन, दैट इज कॉल्ड द हैवी मैरो सॉरी हैवी मैरो मायोसिन, दैट इज कॉल्ड हैवी मैरो मायोसिन। और ये जो टेल वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं LMM, LMM दैट मींस लाइट मैरो मायोसिन, लाइट मैरो मायोसिन। तो मायोसिन के कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, एक हैवी वाला पार्ट जिसमें हेड आएगा और एक लाइट वाला पार्ट जिससे टेल आएगी ठीक। और हमारा जो पार्ट है जो कि एक्टिन प्रोटीन से बाइंड होना है वो कौन सा वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट, और हेड में भी ऊपर जो साइट्स बनी हुई है जो कि एक्टिन बाइंडिंग साइट है, सिर्फ वही हमारे एक्टिन से बाइंड करेंगी, बाकी एटीपी वाला पार्ट बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि मेन साइट तो ये है ना, मेन साइट ये वाली है ठीक है, मेन साइट ये है, ये साइट किसके लिए, एटीपी के लिए है ठीक। इतनी बात क्लियर है, पहले इस चीज को समझो, देखो दोनों डायग्राम्स को, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं ठीक। यस सर, यस सर। ये जो ट्रोपोमायोसिन थी, ये जो हमने यहाँ पीछे ट्रोपोमायोसिन देखी थी, ये इसके कितने फिलामेंट्स हैं, टोटल टू फिलामेंट्स हैं ओके, कंफ्यूज मत होना, ये एक फिलामेंट नहीं बनाया, देखो मैंने एक फिलामेंट जो पीछे वाली जो हमारी एफ एक्टिन है उसके साथ में जुड़ा हुआ है और एक आगे वाली के साथ में जुड़ा हुआ है, तो देयर आर टोटल टू फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, और हर हर जो मतलब कि हर एक कॉइलिंग के बाद, हर कॉइलिंग के बाद एक ट्रोपोनिन प्रेजेंट रहेगी, और ट्रोपोनिन कितनी यूनिट से मिलके बनी है, तीन यूनिट से मिलके बनी है, कौन कौन सी तीन है ये यूनिट, आई टी सी, आई है इनहिबिशन कॉम्प्लेक्स, टी है हमारा ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट, और सी है कैल्शियम बाइंडिंग साइट
इज इट क्लियर? यस सर। ठीक, इस ट्रोपोनिन ने एक्टिन को कवर किया हुआ है, पूरी तरह से कवर किया हुआ है, और ये क्या काम करवाता है, ये ट्रोपोमायोसिन काम करवाता है मसल को रिलैक्स करवाने का। ठीक है, मसल को क्या करवाएगा, ये रिलैक्स करवाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारी जब बाइंडिंग होगी, तो बाइंडिंग कभी ऐसा होता है कि हमारी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई है, मान लो आप दौड़ के आए हो और दौड़ने के बाद हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो कभी ऐसा होता है कि मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में रहेंगी? नहीं हो सकता ऐसा। हमारी मसल्स बाद में क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है, डायलेट हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, वो इस ट्रोपोमायोसिन की ही वजह से होती है। तो ये ट्रोपोमायोसिन क्या काम कर रहा है यहाँ पे, एक तो मसल को रिलैक्स करवाने का काम कर रहा है, और जैसे ही ये ट्रोपोनिन हटेगा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ट्रोपोनिन में और ट्रोपोमायोसिन में मेन फंक्शन किसका है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का, बताओ जल्दी। मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाने का ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, इन दोनों में से कौन कर रहा है, ट्रोपोनिन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब ये हटेगा तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब तक ये ज्वाइंट है तब तक नहीं होगी, और ट्रोपोनिन जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उसको वो रिलैक्स करवा देगा। सिंपल, बहुत बहुत सिंपल सी चीज है। आई थिंक क्लियर होगा इतना? यस सर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने मैकेनिज्म पे, कौन से, इनिशिएशन पे। ठीक, अब हम इनिशिएशन देखने वाले हैं, सॉरी Let me add this slide. Okay. So now हम first step देखेंगे, पहले कौन सा, initiation. Initiation का मतलब क्या है, शुरुआत, आरंभ। ठीक, तो देखो starting में क्या होता है, हमें एक चीज पता है, देखो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, कौन सा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो उसमें हम क्या चीज पढ़ते हैं, अगर नहीं भी पढ़ा होगा कोई बात नहीं, मैं एक प्रोसेस आपको बता रहा हूँ जो हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखते हैं, वो होती है हमारी साइनेप्टिक कनेक्शन। ठीक है, साइनेप्टिक कनेक्शन में क्या होता है, जो दो न्यूरॉन्स हैं वो दो न्यूरॉन्स एक साथ मिलके एक कनेक्शन बनाते हैं, जिससे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जाता है। मान लो ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ठीक, इस तरीके से एक न्यूरॉन है, ये इसका हमारा एक्सॉन वाला पार्ट, तो जो दूसरा न्यूरॉन होगा इसके जो डेंड्राइट होंगे वो इससे कनेक्टेड होंगे। ठीक, फिर ये आ गया इसका एक्सॉन, तो इन दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, इस कनेक्शन को हम कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं, साइनैप्स। तो जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी सेम मैकेनिज्म होता है, जिसे हम साइनेप्टिकल कनेक्शन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक, तो अब हम पहले इस मैकेनिज्म को देखते हैं जो कि इनिशिएशन का पार्ट है। ओके, यस सर, लेट मी रिज्यूम जस्ट अ मिनट। अब देखो क्या होगा, ये क्या है, ये है हमारी नर्व। ठीक, और यहां पे नीचे क्या है, ये है हमारी मसल। लेट मी ड्रॉ विद दिस अनदर कलर। ये क्या है, हमारा मसल वाला पार्ट है, नीचे यह हमारी मसल है और ऊपर क्या है, नर्व है। ठीक है, ये कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है, मान लो हमारे पास एक मसल है, दिस इज अ मसल। ठीक, जब इस मसल में कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगा, तो इसका पूरा डायरेक्टली कनेक्शन कहाँ पे है, हमारे ब्रेन से, इसका कनेक्शन हमारे ब्रेन से है। हमारी मोमेंटल एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम कंट्रोल करता है, तो सेरिबेलम से इसका कनेक्शन, एंड सेरिबेलम क्या काम करेगा, यहाँ से जितने भी सेंसरी नर्व्स हैं वो सेंसरी नर्व्स सिग्नल लेके जाएंगे ब्रेन तक, और ब्रेन से दोबारा एक्शन के लिए सिग्नल आएगा किसके थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू। सेंसरी नर्व सिग्नल लेके जाती है और मोटर नर्व एक्शन के लिए सिग्नल वापस लेके आती है मसल में। ठीक है, तो वही मैकेनिज्म यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे ये हमारा नर्व वाला पार्ट एंड नीचे मसल वाला पार्ट, जिससे कि न्यूरोट्रांसमीटर इसमें ट्रांसफर होंगे। तो अब देखो क्या होता है कि इसके अंदर ये जो हमारे नर्व वाला पार्ट है, इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे, हमारी कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट रहती हैं, समथिंग लाइक दिस। लेट मी चेंज द कलर फॉर दिस। सम वेसिकल्स आर प्रेजेंट हियर, दिस वन, दिस वन, एंड दिस वन। ठीक, इन वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, दिस इज अ वेसिकल,
इट्स अ वेसिकल कंटेनिंग वेसिकल कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर ठीक। और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम में आता है यहाँ पे? न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? देखो केमिकल्स होते हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सिग्नलिंग के लिए यूज में लाए जाते हैं और एक्शन करवाते हैं हमारे ब्रेन के थ्रू उस पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ में जिसके लिए हमें रेस्पॉन्ड करना है। क्योंकि अभी हमें रेस्पॉन्ड किसके लिए करना है? मसल के लिए करना है। तो यहाँ पे सिग्नल किसके लिए जाएंगे? मसल्स के लिए। ओके, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होगा जिसका नाम है हमारे पास एसिटाइल कोलीन। जस्ट अ मिनट, एसिटाइल कोलीन, एसिटाइल कोलीन ठीक। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे एसिटाइल कोलीन प्रेजेंट है दिस। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो मसल्स हैं, अब इस पूरे स्ट्रक्चर में ना एक आयन चैनल प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं? आयन चैनल। मैंने अभी एक चीज बताई थी आपको, हमें वहां पे वो जो ट्रोपोनिन है, वहां पे जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, वहां पे उस कैल्शियम को क्या करना है, वहां से उसको हटाना है ट्रोपोनिन को। जब उस पे जाके कैल्शियम लगेगा, कैल्शियम के लगने से क्या होगा, वहां पे ट्रोपोनिन हट जाएगा और ट्रोपोनिन के हटते ही मायोसिन क्या करेगा, एक्टिन के साथ बाइंड करेगा। तो यहाँ पे इस मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले ये जो बाहर वाला एरिया है, इस वाले बाहर वाले एरिया से अंदर क्या एंटर करेंगे, कैल्शियम आयन्स एंटर करेंगे। और ये जो चैनल जो कैल्शियम को अंदर लेके आते हैं, इन्हें हम कहते हैं कैल्शियम आयन गेटेड चैनल्स। क्या कहते हैं? कैल्शियम आयन गेटेड चैनल्स। ये कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स क्या कर रहे हैं, अंदर कैल्शियम लेके आ रहे हैं, और जैसे ही कैल्शियम इनर वाले पोर्शन में आएगा, ये जो वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स क्या काम करेंगी, ये वेसिकल्स बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगी। मींस बाहर की तरफ कैसे, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन पे आके अटैच हो जाएंगी, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से। और जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर है ये बाहर की तरफ छोड़ देंगी, बाहर इस इंट्रासेलुलर स्पेस में, यहाँ पे ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे इसको रिलीज कर देंगी। अब क्या होता है, ये जो हमारी जो मसल फाइबर है, ये हमारा मसल फाइबर है, दिस इज अ मसल फाइबर, ये मसल फाइबर है ठीक। ये हमारा मोटर न्यूरॉन था, क्योंकि मोटर न्यूरॉन ही तो लेके आ रहा है ना सिग्नलिंग यहाँ पे। ये हमारा क्या है, मोटर न्यूरॉन, दिस इज द मोटर न्यूरॉन ठीक। तो इस मसल फाइबर के पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, इट कंटेन्स रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स में यहाँ बना रहा हूँ, दिस इज द रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या काम करेंगे, इस एसिटाइल कोलीन को एक्सेप्ट करेंगे। और एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि एक रिसेप्टर एक बार में एक ही एसिटाइल कोलीन का मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर सकता है ठीक। तो यहाँ पे ये जितने भी एसिटाइल कोलीन के मॉलिक्यूल से, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है ठीक। तो ये एसिटाइल कोलीन क्या होगा, अंदर की तरफ मूव कर दिया जाएगा, समथिंग लाइक दिस, मोटर नर्व में। और ये क्या कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जो है हमारा यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ किसमें, मसल फाइबर में। और मसल फाइबर क्या काम करेगी, अब ये मसल फाइबर इसको पूरी मसल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करेगी। कैसे होगी, जैसे ही एसिटाइल कोलाइन मसल फाइबर में आया, एसिटाइल कोलीन कहाँ आया, मसल फाइबर में, मसल फाइबर में आने के बाद इसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है कहां पर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ठीक। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, कैल्शियम रिलीज कर रहा है, मैंने बताया था ना ये कैल्शियम स्टोर करके रखता है, ये कैल्शियम रिलीज करता है, कैल्शियम रिलीज करेगा। और जैसे ही कैल्शियम रिलीज होंगे, कैल्शियम कॉज एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल कौन सी थी, जिसके अंदर कैल्शियम, वो एसिटाइल कोलीन भरा हुआ था ठीक। एसिटाइल कोलीन रिलीज होगा, लिखेंगे हम क्या, साइनेप्टिक वेसिकल बस्ट हो जाएगी टू रिलीज एसिटाइल कोलीन, ACS लिख रहे हैं हम एसिटाइल कोलीन को शॉर्ट में ठीक। एंड ये एसिटाइल कोलीन बाइंड कर रहा है अब किससे, एसिटाइल कोलीन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा। और जैसे ही ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल
जनरेट टू मसल, मसल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। ठीक, इतनी बात क्लियर है? यस सर। एसिटाइल कोलीन कहाँ पे आया है? मसल फाइबर में आया है। कहाँ से आया है? मोटर नर्व के थ्रू। और ये जो कैल्शियम आयन यहाँ पे आए थे, ये किसके थ्रू आए थे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू आए थे। ऊपर यहाँ देखो, ये जो गेटेड चैनल्स में, ये जो गेटेड चैनल्स में अंदर ये कैल्शियम आया, कौन लेके आया इस कैल्शियम को? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू आए हैं ये। ओके, इसके ऊपर गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट है मोटर नर्व के थ्रू। इसने एंटर किया कैल्शियम ने, जैसे ही कैल्शियम ने एंटर किया, हमारी साइनेप्टिक वेसिकल ने क्या किया? एसिटाइल कोलाइन रिलीज कर दिया। इसके रिलीजमेंट से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ कहां पे? मसल फाइबर में। अब जैसे ही मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, क्या होगा? इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एक चीज याद रखो, क्या कि यहां पर एक कैल्शियम तो हमारा यहां पे आया है, जिसको जिसने एसिटाइल कोलीन को रिलीज करवाया है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर में जनरेट होगा, फिर दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? कैल्शियम इफ्लक्स करवाएगा। ठीक है, कैल्शियम अभी क्या हुआ था? इन्फ्लक्स हुआ था। इन्फ्लक्स का मतलब कैल्शियम आयन अंदर आए थे, और अब ये कैल्शियम आयन कहां जाएंगे? बाहर जाएंगे, इनका इफ्लक्स होगा। और जैसे ही कैल्शियम आयन बाहर जाएंगे, इनके बाहर जाते ही ये कैल्शियम आयन बाहर जाते ही बाइंड कर लेंगे किसके साथ में? ये कर लेंगे ट्रोपोनिन सी से। ट्रोपोनिन सी क्या है? ये ट्रोपोनिन सी हमारा ट्रोपोनिन का सी वाला कॉम्प्लेक्स है, जो कि हमने यहां देखा था, ये वाला कॉम्प्लेक्स, दिस वन, इसके साथ में बाइंड कर लेंगे। ठीक, और जैसे ही यहाँ पे बाइंडिंग होगी, इसकी बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स के साथ में होते ही ये पूरा ट्रोपोनिन यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और इसके रिमूव होते ही हमारी मायोसिन प्रोटीन किसके साथ बाइंड कर लेगी? एक्टिन प्रोटीन के साथ में बाइंड कर लेगी। सो कैल्शियम बाइंड किया ट्रोपोनिन सी के साथ में, ट्रोपो मायोसिन अनमास्क हो जाएगा, पूरा ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन अनमास्क हो जाएंगे, एंड एक्टिन बाइंड करेगा किसके साथ में? बाइंड विद मायोसिन एंड फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। और क्या बनाएगा? क्रॉस ब्रिज बनाएगा। अब हम देखेंगे ये क्रॉस ब्रिज कैसे बनता है। ठीक है, अब मुझे ये इस प्रोसेस को एक बार ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या चीज क्लियर नहीं है, एंड आफ्टर दैट मैं इस पूरी प्रोसेस को एक बार और रिवाइज कर रहा हूं। ठीक, ध्यान से सुनना, ये हमारा मोटर नर्व है, ये हमारी मसल फाइबर है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, एस्टेब्लिश हुआ है, किसके लिए? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, जिसके थ्रू कॉन्ट्रेक्शन होना है। ये हमारे कॉन्ट्रेक्शन का फर्स्ट स्टेप है, जिसमें एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे आया है? मोटर नर्व में। और मोटर नर्व में क्या प्रेजेंट है? वेसिकल्स प्रेजेंट है, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, और न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है? एसिटाइल कोलीन। ठीक, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है किसके थ्रू? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन रिलीज करता है, यहाँ पे कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, जिससे ये पूरे मैकेनिज्म में जितनी भी वेसिकल्स हैं, ये एसिटाइल कोलीन रिलीज कर देंगी। ये रिलीज करेंगी जैसे ही, ये पूरा एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर्स के साथ, जो कि मसल फाइबर के ऊपर अटैच्ड हैं, उनसे बाइंड करेगा और अंदर की तरफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। दैट मीन्स एसिटाइल कोलीन अब कहाँ आ चुका है? मसल फाइबर में आ चुका है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर में जनरेट होगा, इस कैल्शियम आयन का इफ्लक्स हो जाएगा। इफ्लक्स होते ही हमारी जो ट्रोपोमायोसिन थी, ये क्या काम करेगी? हमारे एक्टिन से हट जाएगी। ये जो ट्रोपोमायोसिन थी, ये ट्रोपोमायोसिन हट जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा कैल्शियम कहाँ बाइंड करेगा? इसके सी पॉइंट से, इस वाले सी पॉइंट से, या फिर सी यूनिट से बाइंड करेगा, और सी यूनिट भी किसके साथ बाइंड है? ट्रोपोमायोसिन के साथ में। तो ये क्या काम करेगी? इसको रिलीज करवा देगी। जैसे ही ये रिलीज होगी, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज विल टेक प्लेस। सो अब हमारा क्रॉस ब्रिज बनेगा, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। जल्दी बताइए मुझे, ये समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म था। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूं। लेट मी शो यू अ डायग्राम।
इज द डायग्राम विजिबल? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये हमारा मोटर नर्व है, ये नर्व सेल है, मोटर नर्व फाइबर है, ये मोटर नर्व फाइबर कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रही है किससे, मसल फाइबर के साथ में। देखो ये हमारा मसल फाइबर है पूरा, मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, जिसको सार्कोलेमा कहते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ब्लैक वाले, ये ब्लैक मॉलिक्यूल जितने ही किसके मॉलिक्यूल है, एसिटाइल कोलीन के, यहाँ पे एसिटाइल कोलीन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है नीचे मसल फाइबर पे, ठीक। ये एसिटाइल कोलीन रिलीज हुआ फ्रॉम नर्व नर्व सेल अटैच टू रिसेप्टर ऑन मसल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे इस मसल में। और ये मसल क्या करेगी, अब एक्शन करेगी किसके साथ में, पहले ये मायोसिन के साथ बाइंड करेगी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। अब हम वो प्रोसेस देखने वाले हैं जिसमें ये एक्टिन मायोसिन के साथ में बाइंड होनी है, ठीक। नाउ मैं फिर से एक बार और यहां पे क्या बना रहा हूं, एक्टिन प्रोटीन बना रहा हूं, दिस इज एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन फिलामेंट, दिस इज ठीक, दिस इज एक्टिन फिलामेंट। इस एक्टिन फिलामेंट के साथ में अभी यहां पे क्या प्रेजेंट है हमारी, ये ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन। और नीचे की तरफ क्या है, मायोसिन प्रोटीन, समथिंग लाइक दिस। अभी देखो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बीच में गैप दिखाई दे रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड हुआ, कैल्शियम आयन बाइंड होगा, कैल्शियम आयन क्या काम करेगा, कैल्शियम आयन की बाइंडिंग क्या काम करेगी, यहां से ये जो ट्रोपोनिन, जो हमारी एक्टिन और मायोसिन है, इनके बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो एक प्रोसेस के थ्रू होगा, जिसे हम कहते हैं एटीपी हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं, एटीपी हाइड्रोलिसिस, एटीपी हाइड्रोलिसिस। ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट्स थी, यहाँ पे एटीपी क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, किस में, एटीपी में प्लस हाइड्रोजन आयन्स में, ठीक। तो जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा, हमारी जो ये पूरी प्रोटीन है, इस प्रोटीन को देखो मैं बार बार नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, समझ तो लोगे ना, नहीं आएगा तो मैं दोबारा समझा दूंगा। जैसे ही यहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, ये जो हमारी एक्टिन बाइंडिंग साइट थी मायोसिन पे, ये किससे अटैच हो जाएंगी, एक्टिन प्रोटीन से अटैच हो जाएंगी, समथिंग लाइक दिस। ये एक्टिन बाइंडिंग साइट थी, यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट थी, तो एटीपी बाइंडिंग साइट पे जो एडीपी हमारा यहाँ से अब ब्रेक डाउन हुआ है, वो अटैच होगा, और एटीपी बाइंडिंग साइट हमारी किससे अटैच हो जाएंगी, एक्टिन बाइंडिंग साइट एक्टिन से, ये हमारी एक्टिन प्रोटीन है, एंड दिस इज द मायोसिन, दिस वन इज मायोसिन, ठीक। इतनी बात क्लियर है, बहुत छोटी सी चीज थी। आगे देखते हैं आगे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलिसिस हुआ, या फिर देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब एटीपी बनता है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे फॉस्फेट का रिलीजमेंट होता है, फॉस्फेट का रिलीजमेंट क्या, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड द पीआई, ठीक है। और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या काम करती है, फॉस्फेट का काम होता है एनर्जी बनाना, क्या काम होता है, एनर्जी बनाना। तो इस प्रोसेस में ये जो हमारी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुई है, इसका काम क्या है, इस प्रोसेस को एनर्जी प्रोवाइड करना, जिससे कि कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और पूरी मैकेनिज्म में हमारी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगी। अब जैसे ही हमारी मसल फाइबर्स, जो हमारा एक्टिन था मायोसिन के साथ में बाइंड करेगा, ये धीरे 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 इस तरफ मूव करना शुरू कर देगी, ठीक। ये कहां मूव करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, ये कहां मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ये कहां मूव करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लाइक दिस, ये टेल वाला पार्ट आ गया, ये हमारा हेड वाला पार्ट आ गया, ठीक। और यहाँ पे क्या है हमारा, पर जस्ट मिनट लेट मी चेंज द कलर, ये हमारा एक्टिन फिलामेंट है, पर ठीक। अब ये जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना है, इसी कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज। क्रॉस क्यों कहा जा रहा है, इसे देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, एक राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्रॉस, एक दूसरे की मैकेनिज्म को क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। और जैसे ही ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, हमारी मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और मसल के कॉन्ट्रैक्शन से जितने भी बैंड्स थे, हमने जो बैंड्स देखे थे उसमें ये जेड लाइन देखी थी बीच में,
यहाँ बीच में एम लाइन थी, यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन बीच में प्रोटीन्स आ गई, एक्टिन और मायोसिन, ये क्या होंगी पास पास आना शुरू कर देंगी। देखो यहाँ पे पास आ चुकी हैं, चिपक चुकी हैं एक दूसरे से, ये जब पास पास आएंगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा, फिर से दोबारा से ये दोनों अलग हो जाएंगी। क्यों अलग हो जाएंगे, क्योंकि इनको रिलैक्स करना है। और जो हमारा ट्रोपोमायोसिन था, मैंने बताया था अभी, ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा, इसको दोबारा से रिलैक्स करने का काम करेगा, वो फिर से एक्टिन के साथ बाइंड कर लेगा लाइक दिस। ये हमारा एक्टिन प्रोटीन, इसके साथ में किसने बाइंड किया, ट्रोपोमायोसिन ने, और ये जो हमारी मायोसिन प्रोटीन है ये इससे दोबारा से अलग हो गई। अब इसको फिर से अटैच होने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, और एटीपी एटीपी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एटीपी को हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा, फिर से ये पूरी मैकेनिज्म ऐसे ही चलती रहेगी। एक बार देखो, नहीं समझ में आया मुझे बताओ, मैं दोबारा इस चीज को समझा दूंगा फिर से एक बार और, ठीक। एनालाइज करो डायग्राम को। स्टार्टिंग में क्या है, एक्टिन प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन दोनों अलग अलग हैं, बीच में कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ। इस प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी की जरूरत है, एटीपी हाइड्रोलाइज हुई, क्या बना, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और यहाँ पे जब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं ना, यहाँ जब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा तो जो एटीपी बाइंडिंग साइट थी वहां पे एडीपी बाइंड करता है, एडीपी बाइंड करता है। जैसे ही एडीपी बाइंड करेगा यहाँ पे दोबारा से ये एक्टिन से रिलीज हो जाएगी, अलग हो जाएगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे फिर से, ठीक। और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ठीक। इज इट क्लियर, यस। मतलब मेन रोल किस चीज का है, एडीपी का है, ठीक है। एडीपी बाइंड कर गया एटीपी बाइंडिंग साइट पे, यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या होगा, चिपक गए, और चिपकने का मतलब क्या, दोनों ने एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया एक साथ में, और कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और हमारा क्या हुआ, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, पास पास सारे बैंड्स पास पास आने स्टार्ट हो गए, और जैसे ही एडीपी हमारा रिलीज हुआ एंड पूरी की पूरी प्रोसेस दोबारा से नॉर्मल हो गई, मतलब कि रिलैक्सेशन हुआ। जैसे ही रिलैक्सेशन हुआ मसल का, वैसे ये जो हमारी ट्रोपोमायोसिन थी ये फिर से जाके अटैच हो गई, और इसको रिमूव करवाने के लिए दूसरा मैकेनिज्म जो हमने अभी पीछे देखा था एसिटाइल कोलिन वाला, वो करना पड़ेगा, ठीक। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, बार बार एसिटाइल कोलिन कैल्शियम आयन रिलीज करेगा, वो आके एक्टिन पे बाइंड करेंगे, उससे ट्रोपोनिन हटेगा, वो ट्रोपोमायोसिन को हटा देगा, साथ में एक्टिन बाइंड कर लेगा मायोसिन से, ठीक। यस सर। एनालाइज द डायग्राम, बताइए मुझे समझ में नहीं आया तो एक बार मैं बता दूंगा दोबारा से, फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के। ये जो हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, दिस इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। किसने दी थी ये, हु प्रपोज दिस थ्योरी, हक्सले एंड हक्सले। साइंटिस्ट के नेम क्या है, हक्सले एंड हक्सले, ओके। ये दो साइंटिस्ट थे, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हक्सले एंड हक्सले, इन्होंने ये पूरा मैकेनिज्म प्रपोज किया था, ओके। जो एसिटाइल कोलिन वाली प्रोसेस हमने देखी थी, वहां मेन रोल किसका है, कैल्शियम का। देखो जब तक कैल्शियम नहीं आएगा तब तक हमारा एसिटाइल कोलिन वेसिकल से रिलीज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद उसका इफ्लक्स हो जाएगा, मतलब कैल्शियम बाहर निकल जाएगा, ठीक। और कैल्शियम के बाहर निकलते ही हमारे जो ट्रोपोनिन थी वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा कैल्शियम आयन, और ट्रोपोमायोसिन उसको रिलीज कर देगा, निकाल देगा, ठीक। कैसे निकाल देगा, देखो हमने ये डायग्राम देखा था, इस चीज को समझो थोड़ा सा। ये जो ट्रोपोनिन थी इसकी तीन साइड थी, एक तो इनहिबिशन कॉम्प्लेक्स था, एक ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट थी। तो ये जो ट्रोपोनिन है ये किसके साथ में अटैच्ड है, ये ट्रोपोमायोसिन के साथ में अटैच्ड है। तो देखो जब ये हमारा ट्रोपोनिन हटेगा तो ये जो ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट है ये किसको लेके हटेगी अपने साथ में, इस ट्रोपोमायोसिन को लेके हटेगी अपने साथ में, क्योंकि ये किसके साथ अटैच्ड है, हमारे ट्रोपोनिन की ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट के साथ में अटैच्ड है, ठीक। कैल्शियम आयन कहाँ पे आके बाइंड करेंगे, इस साइड पे। जैसे ही कैल्शियम आके बाइंड करेगा वैसे ही ये पूरा हट जाएगा, और ये हटेगा तो साथ में ट्रोपोमायोसिन भी हटेगी, ठीक। अभी ये जो हमने एक्टिन, ये जो नॉर्मल एक्टिन हम देख रहे हैं ये अभी रिलैक्स फॉर्म में है। रिलैक्स फॉर्म में क्यों है, क्योंकि इसके पास ट्रोपोमायोसिन है। जब ये ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन के साथ में हट जाएगा यहां से, तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगी और कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा मायोसिन के साथ में। बहुत ही सिंपल सी चीज थी, आई थिंक समझ में आई होगी आपको। Is it clear to all of you? Yes, sir. Analyze the diagram. इस चीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम और मैं आपको शो करता हूँ। Look at this diagram now. देखो this according to this diagram, let me zoom it. Hmm.
इज इट विजिबल? यस सर। देखो अभी जो मैंने आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताई, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ देखो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है हमारा, दिस पार्ट इज एक्टिन, ये हमारी एक्टिन है, नीचे ये हमारी मायोसिन है, ठीक है, मायोसिन का हेड आ गया ये, यहाँ देखो एडीपी प्लस पीआई, मतलब ऑलरेडी यहाँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा एटीपी ऑलरेडी हाइड्रोलाइज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो कैल्शियम आयन आ रहे हैं, ये कैल्शियम आयन आ रहे हैं, ये कैल्शियम आयन बाइंड किए, जैसे ही ये कैल्शियम आयन बाइंड करेंगे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एटीपी, इन दोनों का क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एडीपी और पीआई रिलीज हो रहे हैं, और देखो यहाँ दोनों के बीच एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, और यहाँ पे देखो इस डायग्राम में शो भी किया हुआ है कि किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, यहाँ देखो ये इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ठीक। फिर से दोबारा से यहाँ पे एटीपी बाइंड किया, जैसे यहाँ पे ये दोनों रिलीज हो गए, क्यों मतलब ये प्रोसेस नॉर्मल हो गई, दोनों रिलीज हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इस प्रोसेस को दोबारा से करवाने के लिए क्या चाहिए, हमें एडीपी चाहिए, जो कि हमने अभी देखा था, ठीक। अब यहाँ देखो इस डायग्राम में मैंने आपको बताया जितने बैंड हैं वो पास पास आ जाएंगे, देखो ये हमारी जेड लाइन है, दिस इज द जेड लाइन, ठीक। इस जेड लाइन से देखो ये हमारी रिलैक्स मसल है, जिसमें जेड लाइन से ये हमारी जो प्रोटीन्स है ये देखो कितनी दूर दूर है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज है, मतलब इंटरमीडिएट स्टेज है जब कॉन्ट्रेक्शन होना शुरू हो रहा है। अब देखो इनके बीच का गैप देखो कितना कम हो गया, हो गया कम, यहाँ देखो इनके बीच का गैप कितना कम हो गया, ये थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट कितना पास में आ चुके हैं, तो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट जब तक पास में नहीं आएंगे तब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दोनों के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हमारे जितने भी फाइबर्स हैं जो सॉरी फिलामेंट्स हैं, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट दोनों एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, और क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे ही हमारा ट्रोपोमायोसिन अटैच करेगा फिर से क्या होगा, रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और ये मैकेनिज्म में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है, कैल्शियम। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर, जो आपने इफ्लक्स बताया कैल्शियम आयंस का, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो रहा है इफ्लक्स? नहीं नहीं नहीं, देखो इफ्लक्स जो हो रहा है वो तो कैल्शियम आयन चैनल्स है ना हमारे पास, यहाँ देखो एक मिनट लेट मी शो यू, देखो यहाँ पे ये जो है ना कैल्शियम आयन गेटेड चैनल्स, देखो ये जो एरिया है ये बाहर वाला एरिया है, ठीक है। इस बाहर वाले एरिया को कैल्शियम कौन प्रोवाइड कर रहा है, इस वाले एरिया को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम प्रोवाइड कर रहा है। ये कैल्शियम कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, किसके, मोटर न्यूरॉन के। जब ये अंदर एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन गेटेड चैनल, तब हम उसे कहते हैं इनफ्लक्स, ठीक है, इनफ्लक्स, ठीक। जब ये दोबारा से बाहर की तरफ जाएंगे तब हम उसे बोलेंगे इफ्लक्स, और दोबारा से ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ चुके हैं। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस कैल्शियम को कहाँ बाइंड करवाएगा, ट्रोपोनिन के सी पार्ट में। जैसे ही ये ट्रोपोनिन के सी पार्ट पे बाइंड करेगा वहां से हमारा ट्रोपोमायोसिन हट जाएगा एक्टिन से, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, एनीथिंग एल्स, एनीवन? नो सर। ठीक, तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो ये पूरा मैकेनिज्म इसमें इतना ही था, आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब हमारा इस चैप्टर में एक और चीज आती है, हमारा स्केलेटल सिस्टम आता है। क्या है? स्केलेटल सिस्टम, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम इज ऑल अबाउट द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। व्हाट इज फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, विच इज मेड ऑफ बोन्स। ओके, बोन्स, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बीइंग? एक इंसान में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं, ठीक, 206। और बेबीज में 270 to 300, बेबीज में कितनी होती हैं? 270 to 300 तक हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो प्रॉपरली वेल डेवलप नहीं होती हैं, ठीक। तो क्या होता है, ये बोन्स अटैच हो जाती हैं, कुछ बोन्स तो एक साथ जुड़ जाती हैं और कुछ बोन्स डिजॉल्व हो जाती हैं। कुछ बोन्स क्या होती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम की जो कमी है उसको पूरा करना होता है कैल्शियम के लिए, ठीक है। तो कुछ बोन्स डिजॉल्व हो जाएंगी, कुछ एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी, ठीक है। यस सर। तो हमें स्केलेटल सिस्टम में सिर्फ बोन्स के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम पहले बोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन की स्टडी को क्या कहा जाता है? जस्ट मिनट। ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन
इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी ठीक। और बोन्स को बनाने के लिए जो सेल्स रिक्वायर होते हैं, सेल्स फॉर फॉर्मेशन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन, कौन सी सेल्स बनाती हैं हमारी बोन्स को? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, या फिर इनको ऑस्टियोसाइट्स भी कहा जाता है ठीक। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स और द ऑस्टियोसाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ बोन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी बोन्स में कौन सा आयरन रिक्वायर्ड होता है इनके फॉर्मेशन के लिए या फिर इनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए? कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन ठीक, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ बोन। हमारी बोन्स के अंदर अगर हम बोन्स की एनाटॉमी अभी हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, बोन्स में फॉर्मेशन होता है, इट प्लेस द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज इन रेड बोन मैरो। तो बोन के अंदर जो होलो पार्ट होता है ऊपर की साइड एपिफाइसिस के पास में रेड बोन मैरो प्रेजेंट रहती है जिसमें रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या मुझे ये बताओ आप लोग, जो रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फॉर्म में होते हैं, मतलब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है एक बेबी का, तो उसमें रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनती है, बॉडी के किस ऑर्गन में बनती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? सर लीवर। यस, लीवर में बनती है। और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो लीवर क्या काम करता है, उन सेल्स को डिग्रेड करने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है, और किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिन में कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमारी रेड ब्लड सेल्स जो कि मैच्योर हो चुकी हैं 120 डेज के बाद, वो हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है ठीक है। बाकी जो नहीं हो पाती है उनको कहाँ एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है या स्टोर करवा दिया जाता है? स्प्लीन में। और स्प्लीन को क्या कहते हैं हम? ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स ठीक। Yes, sir. हमारी बॉडी में जो यूरिन बन रहा है, यूरिन को एक पिगमेंट येलो कलर प्रोवाइड करता है, क्या नाम है उस पिगमेंट का, जिसे हम यूरोक्रोम कहते हैं। वो यूरोक्रोम किसके थ्रू बनता है? वो भी रेड ब्लड सेल्स के डिग्रेडेशन से बनता है। इज इट क्लियर? यस सर। तो बोन कितना सारा काम कर रही है देखो ठीक। तो अब हम बोन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बोन के स्ट्रक्चर के बारे में। ऊपर जितना अभी मैंने ये बताया इसे देखो एक बार, कुछ नहीं आया तो पूछो। And after that, we are moving to the bone. Okay? Done, sir. Start? Okay. Yes, sir. देखो, I am drawing here a bone. Drawing मेरी बहुत गंदी है, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना फिर से ठीक है। This is a bone. ठीक है, गलती से अच्छी बन गई। Okay, sir. Now, अब हम इसकी इंटरनल लाइनिंग बनाते हैं लाइक दिस। दिस इज द इंटरनल लाइनिंग, ओके। अब इसके अंदर ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसे हम एपिफाइसिस कहते हैं, दिस पार्ट ऑफ द बोन जो कि ये वाला पार्ट जो कि उभरा हुआ है ना, जो कि बहुत ज्यादा बल्ज हो रहा है, बाहर की तरफ बल्ज हो रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एपिफाइसिस। क्या कहते हैं? एपिफाइसिस ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस रीजन जो कि बीच वाला रीजन है जो कि बॉडी बना रहा है बोन की, इसे हम कहते हैं डाइफाइसिस। डाइफाइसिस एंड वंस अगेन दिस रीजन इज कॉल्ड द एपिफाइसिस। एपिफाइसिस ओके। एंड नाउ दिस बल्ज रीजन, ये जो बल्ज वाला पार्ट है, जितना पार्ट यहाँ पे बल्ज हो रहा है, दिस इज रेड इन कलर ओके। अंदर से होलो होती है क्योंकि हमारी बोन्स, और दिस इज यहाँ पे रेड कलर का जितना भी पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द रेड बोन मैरो। व्हाट इज दिस? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो इज प्रेजेंट हियर। रेड बोन मैरो, बोन मैरो क्या है? देखो बोन मैरो कुछ नहीं है, एक तरह का लिक्विड है ठीक है। बोन मैरो इज अ लिक्विड फ्लूइड। नाउ once again here in this part red bone marrow is present, bone marrow once again here ठीक। and in between both of these regions, दोनों ही regions के बीच में ये जो part आया हुआ है जिसे हम yellow bone marrow कहते हैं, this is called the yellow bone marrow okay। this is
येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ठीक। येलो बोन मैरो का काम क्या है? देखो येलो बोन मैरो हमारी बॉडी में फैट बनाने का काम करती है, ओके फैट बनाने का काम करेगी। और जो रेड बोन मैरो है इसका फंक्शन क्या है? रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ओके रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन पूरा लिख देते हैं, ओके अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे जो आउटर कवरिंग है ये वाला पार्ट तो एपिफाइसिस कहा जाता है, जो बल्ज पार्ट है, और जो नॉन बल्ज पार्ट है दैट इज कॉल्ड डायफाइसिस। तो हमारे बोन का जो कवरिंग है, दिस इज द कवरिंग, दिस कवरिंग इज कॉल्ड पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम क्या बोलते हैं इसे, पेरिओस्टियम विच इज द आउटर लेयर। क्या ये हमारे बोन की आउटर लेयर है? आउटर लेयर के बाद अंदर वाली लेयर कौन सी है? ये जो मैंने ऑरेंज वाली लेयर बनाई है, दिस ऑरेंज लेयर इज द इंटरनल लेयर, ठीक है, अंदर वाली इनर लेयर है ये, इसको हम कहते हैं एंडोस्टियम। व्हाट इज दिस? एंडोस्टियम, दिस इज द इनर लेयर, इनर लेयर, ओके यस सर। और कैल्शियम, सॉरी, जो हमारी बोन का बाहर वाला पार्ट है, दिस रीजन जो कि बाहर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट, दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये बना होता है किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से, जिसे हम हार्ड बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड पार्ट या फिर हार्ड बोन, हार्ड वाला पार्ट है ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। और अंदर वाला पार्ट क्या है? हॉलो है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो प्रेजेंट है। दो तरह की बोन मैरो होगी, एक येलो बोन मैरो एंड सेकंड वन इज द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड द येलो बोन मैरो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फैट, ठीक। यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ। रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए हम एक प्रोसेस देखते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? द क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट? क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? सर एरिथ्रोसिस। अच्छा मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, एक हम कह सकते हैं हीमोपोएसिस, सेकेंड इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस, ठीक। अब जल्दी बताओ दोनों में से कौन सी वाली राइट है, हीमोपोएसिस राइट है या एरिथ्रोपोएसिस राइट है? एरिथ्रोपोएसिस। अच्छा एरिथ्रोपोएसिस, और मैं हीमोपोएसिस कहूं तो? सर वो हीमोग्लोबिन की के लिए हो जाएगा। तो वो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी तो ब्लड में ही होता है। सब फॉर्मेशन देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रेड बोन मैरो में जो एक्चुअल मैकेनिज्म होती है वो एक्चुअल मैकेनिज्म हमारा हीमोपोएसिस होता है। किसमें? रेड बोन मैरो में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हीमोपोएसिस, और हीमोपोएसिस के अंदर एक स्टेप है दैट इज कॉल्ड द एरिथ्रोपोएसिस, ओके हीमोपोएसिस का पार्ट है एरिथ्रोपोएसिस, ठीक। और एरिथ्रोपोएसिस के दौरान ही क्या बनता है? रेड ब्लड सेल्स बनती है हमारी, ठीक। यस सर। हाँ, और रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, और जो पूरा ब्लड वाला पार्ट जिसमें हीमोग्लोबिन भी बन रहा है, हीमोग्लोबिन भी बन रहा है साथ में, दैट इज कॉल्ड द हीमोपोएसिस, ठीक। और नॉर्मल मतलब क्योंकि जो हमारी रेड ब्लड सेल है वो तो ये नॉर्मल आउटर कवरिंग हो गई, सिर्फ अंदर से हॉलो होती है रेड ब्लड सेल, कुछ नहीं होता उसमें, साइटोप्लाज्म फिल रहता है, प्लस प्लाज्मा हमारा हीमोग्लोबिन सब कुछ प्रेजेंट रहेगा, तो ये जो आउटर कवरिंग बनी है दैट इज कॉल्ड द एरिथ्रोपोएसिस। अंदर वाला जितना मैटर बन रहा है ये पूरा हमारा, या फिर आगे और भी जितने भी मटेरियल बनेंगे इसके, वो सब क्या होंगे? हीमोपोएसिस के पार्ट होंगे, ठीक। अब अच्छा मुझे बताओ कौन सा एलिमेंट, कौन सा हमारा ऐसा केमिकल है जो एरिथ्रोपोएसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? विच फैक्टर या फिर विच कॉम्पोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोएसिस? द फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोएसिस, टेल मी, डू यू नो द नेम, एनीवन? सर एरिथ्रोपोएटिन। यस, नाम में ही देखो यहाँ एरिथ्रोपोएसिस लिखा हुआ है, एरिथ्रोपोएसिस के ही थ्रू क्या आता है? एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन, ठीक। कहाँ से आता है ये? आता है किडनी से, किडनी से, किडनी के थ्रू, ठीक, किडनी के थ्रू आता है और ब्लड फॉर्मेशन में मदद करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर।
एनालाइज द डायग्राम। अब हम देखते हैं इसका थोड़ा सा पार्ट कट करके, हम इसके टीएस देखेंगे, सेक्शन देखेंगे इसका कौन सा, हम इसका इतना पार्ट लेंगे वन, एंड ये जो मैंने स्क्वायर बनाया है जिसमें कि एक आउटर लेयर आ जाएगी, इनर लेयर आ जाएगी और अंदर वाला येलो वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक। और ये जो बीच में जितना रीजन है, दिस रीजन, हम इसको एनालाइज करेंगे इसमें क्या क्या सेल्स प्रेजेंट है, ओके। यस सर। इट्स 7:07 नाउ, ओके। नेक्स्ट क्लास आपकी किस टाइम से? 7:15 आई थिंक ना? यस सर। आई थिंक हो जाएगा 7:10 तक। आई मिनट की ब्रेक भी चाहिए। क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली आई वाज कंफ्यूज रिगार्डिंग द टाइम के 7:10 तक ये जो इंटरनल पार्ट है वो हम देखते हैं, और उसके बाद आप 5 मिनट्स में सेकंड क्लास अपनी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके? यस। देखो, जो हमने इंटरनल लेयर बनाई थी जिसे हम एंडोस्टियम कह रहे थे, ये मैं एंडोस्टियम बना रहा हूं, दिस इज एंडोस्टियम, ठीक, एंड दिस इज द पेरिओस्टियम। व्हाट इज दिस लेयर इज कॉल्ड? पेरिओस्टियम। दिस इज पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम की लाइनिंग में यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है लाइक दिस, ठीक। दीज सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोजेनिक सेल्स। क्या कहा जाता है इन्हें? ऑस्टियोजेनिक सेल्स। सेम सेल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, सेम सेल्स प्रेजेंट है यहाँ भी, ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ओके। ऑस्टियोजेनिक सेल्स के अंदर यहाँ पे इनर वाले पार्ट में, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर, इन द इंटरनल पार्ट यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट रहेंगी, सेम एज, सेम काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट हेयर, ऐसे ही सेल्स यहाँ भी प्रेजेंट है, इनके आसपास कुछ फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, ठीक, यहाँ अराउंड दीज द फ्लूइड इज प्रेजेंट, वंस अगेन यहाँ पे भी फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, ठीक। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। दीज सेल्स आर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, जिनका नेम अभी मैंने बताया था, जो कि हमारे बोन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक। नेक्स्ट, बीच में ये वाला जो हमारा पार्ट है, द मिडिल पार्ट, इन दिस मिडिल पार्ट यहाँ पे कुछ फाइबर से बने हुए स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, रिंग्स प्रेजेंट रहती हैं एक्चुअली, लाइक दिस, दीज रिंग्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन हेयर, दिस इज द सेकेंड रिंग आई एम ड्रॉइंग हेयर, रिंग्स आर प्रेजेंट, ठीक। इन दीज रिंग्स अ कैनल इज प्रेजेंट लाइक दिस, इन बिटवीन वन कैनल एंड द सेकेंड कैनल, दिस कैनल इज नोन एज हार्वेशियन कैनल। व्हाट इज दिस? हार्वेशियन कैनल, ओके। और इन दो हार्वेशियन कैनल के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए एक कैनल और प्रेजेंट रहती है लाइक दिस, एंड दिस कैनल इज कॉल्ड द वॉकमैन कैनल, दिस इज कॉल्ड वॉकमैन कैनल, ठीक, वॉकमैन कैनल। वॉकमैन कैनल का काम क्या है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, इट्स फंक्शन इज स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी बोन्स को, बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करवा रही है, ओके, दैट इज कॉल्ड द वॉकमैन कैनल, ठीक। वॉकमैन कैनल के अलावा यहाँ पे बीच में इन दिस रिंग्स, रिंग्स में एस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट रहती है लाइक दिस, स्टार लाइक शेप्स, स्टार लाइक शेल्स, सेल्स आर प्रेजेंट हियर, जिन्हें एस्ट्रोसाइट कहा जाता है। ये एस्ट्रोसाइट क्या काम करती है? ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाती है ब्रेन के साथ, ठीक, जो बोन्स में, बोन्स का कनेक्शन भी रहता है हमारे ब्रेन के साथ में, ओके। और इनके बीच में, इनके बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं लैमेला। क्या कहते हैं? लैमेला, दिस इज कॉल्ड लैमेला। और लैमेला बना होता है हमारा कोलाजन फाइबर्स का, किससे बना है? कोलाजन फाइबर्स। कोलाजन फाइबर्स आपकी स्किन में भी होते हैं, आपकी स्किन कोलाजन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, ओके। और दिस एक, ये जो एक पूरी रिंग हमारी ये जो बनी है, एंटायर रिंग, इसको हम कहते हैं ऑस्टियन, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियन। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड ऑस्टियन। और ऑस्टियन के अंदर ये जो रिंग्स हैं, इन दो रिंग्स के बीच में ये जो पूरा एरिया प्रेजेंट है, जो फ्लूइड वाला एरिया प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं लैक्यूना। व्हाट इज दिस कॉल्ड? लैक्यूना।
लेक्यूना का काम है दो जो रिंग्स हैं हमारी, इन दोनों रिंग्स के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाना। इनको कंसेंट्रिक रिंग कहा जाता है। ठीक, ये जो कंसेंट्रिक रिंग है हमारी, जिसे हम लैमेला कह रहे हैं, जो कि किससे बनी है, कोलाजन फाइबर से, इनके बीच का स्पेस क्या है, लेक्यूना, और रिंग का नेम क्या है, लैमेला, कंसेंट्रिक रिंग, दिस। ठीक, ओके, यस सर। दिस इज हाउ योर स्ट्रक्चर ऑफ बोन लुक लाइक। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, और वी कैन से दिस इज द TS, ये हमारे बोन की क्या पढ़ी है हमने, TS। कल हम इसको एक बार फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, ओके? आज टाइम कम है, क्योंकि मैं ये जितने स्ट्रक्चर से इनका काम नहीं बता पाऊंगा, क्यों, क्योंकि 7:12 ऑलरेडी हो चुके हैं और 7:15 से आपकी क्लास है। ठीक, तो हमने जितना पीछे पढ़ा है बोन के स्ट्रक्चर तक, कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ओके? और हमें yes, आगे पढ़ना है पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है, टाइप ऑफ बोन्स पढ़नी है हेड में एंड पूरी बॉडी में, ओके? यस सर। जितना बताया yes, उसमें कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। नो सर। ओके, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशन में कल वंस अगेन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सर।